देख लीजिए आप लोग, आपके वसादत से मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को और गवर्नर साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मुहर्रम के दिन चल रहे हैं। मुहर्रम में एक तो हमें राशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर को फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। डायरेक्टर साहब को फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। ना मुहर्रम के, जहाँ पर मुहर्रम शिया इलाकों में होता है, जहाँ पर नियाज नजर नियाज होता है, ना वहाँ पर आटा मौजूद है, ना वहाँ पर चीनी मौजूद है, ना वहाँ पर चावल मौजूद है। जबकि यहाँ पर सारे लोग परेशान हैं, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात आप देख लीजिए, डायरेक्टर फूड इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। आप देख लीजिए मार्केट में, मार्केट भी आसमान पर इन्होंने चढ़ा दिया। इनकी अपनी मनमानी है। जो चीनी का केजी 50 रुपए था, वो इन्होंने 60 रुपए को लगा दिया। ऐसा अभी कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इनको देख रहा है। डी साहब से मैं फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी चीफ सेक्रेटरी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं सेक्रेटरी फूड से भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप इनको देख लीजिए, इस माफिया को खत्म कीजिए। मुझे लगता है ये लोग जो ये चावल है ब्लैक बेच रहे हैं लोगों तक, नहीं तो नाम है यहाँ पर खुशीपुरा है, HMT है, और इसी तरीके से हमारा जड़ीबल में है। जड़ीबल से यही शिकायतें आ रहे हैं, लाल बाजार से यही शिकायतें आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारा नूरबाग एरिया है बटा मॉल में, वहां पर भी यही शिकायत है। हर एक एरिया से यही शिकायत आती है कि यहाँ पर राशन बराबर नहीं आ रहा।